दोस्तों, अगर आप बी आई सिम चलाते हो और आप भी चाहते हो कि हमारे बी आई वाली सिम की इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो प्ले की है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया और जो सेटिंग्स, जो स्टेप्स मैंने आज की इस वीडियो में आपको बताए हैं, उन स्टेप्स को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में फॉलो कर लिया, तो आपके भी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने एंड्रॉयड फ़ोन को एक बार रीसेट करना होगा। जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रीसेट कर दोगे, तो ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और आपके इंटरनेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले एक बार आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को रीसेट कर दीजिए। मोबाइल को रीसेट करने के बाद फिर आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। जब आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क सेटिंग या फिर मोबाइल नेटवर्क सेटिंग का। तो आपको अपने मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाना है। जब आप मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाओगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम या फिर APN लिख के आएगा। तो आपको इस पर सेलेक्ट करना है। तो जब इस पर सेलेक्ट करोगे, तो आपको APN में एक नया APN क्रिएट करना है। तो आपको ऊपर की साइड में एक प्लस का आइकन दिखेगा, इस प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। तो जैसे आप प्लस वाले आइकन पर टैप करोगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। जब आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ पेज आएगा, तो आपको सबसे पहले नेम पे क्लिक करना है। जब आप नेम पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा BI Pro। तो B और P जो दो लेटर रहेंगे आपके कैपिटल में, BI Pro लिखने के बाद ओके करना है। फिर आपको APN पे क्लिक करना है। APN पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर BI 4G Net सारी चीज़ें इस्तेमाल में रहेंगी। फिर आपको ओके करना है। ये आपके जो न्यू APN बता रहा हूँ, इन APN को अगर आप सेट करते हो, तो इससे आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने इन APN को सेलेक्ट करके एक बार देखा हुआ है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर APN टाइप पर क्लिक करना है और डिफ़ॉल्ट पर ओके करना है। डिफ़ॉल्ट पर रहने देना है। प्रॉक्सी में आपको नॉट सेट पर रहने देना है, जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और यूज़र नेम में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो इसमें आपको लिखना होगा speed 4G। यूजर नेम में आपको speed 4G लिख के ओके करना है। अब नीचे की तरफ आएंगे, तो आपको पासवर्ड में कुछ चेंज नहीं करना है। और बचा सर्वर, आपको सर्वर में थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है, जिससे कि आपके इंटरनेट की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाए। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा www.mybi.in, ये लिखने के बाद ओके, ये भी ओके हो गया। अब बचा MMSC, इसमें नॉट सेट रहेगा। MMS प्रॉक्सी, ये भी नॉट सेट। MS पोर्ट, ये भी नॉट सेट। आपको नीचे की साइड में स्क्रॉल करते जाना है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा MCC, MNC। ये दोनों ऑप्शन आपको चेंज नहीं करने हैं। जो आपके APN में पहले से MCC रहेगा और MNC रहेगा, ये दोनों ही पहले से लिखा होगा, उस पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ पर आता है ऑटोमेटिकेशन टाइप्स, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, तो यहाँ पर तीन चार ऑप्शन है। सबसे नीचे वाला PAP और CHAP पर ओके करना है। फिर आपको नीचे APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है। जब APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करोगे, तो ये APN आपको सिंपल से IPv4 और IPv6 इन दोनों पर सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपका जो इंटरनेट हो IPv4 और IPv6 दोनों पर काम करेगा। और आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। फिर आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल, अगर आप रोमिंग में चले जाते हो, तो आपका APN तभी भी काम करे, IPv4, IPv6 इस पर भी सेलेक्ट करना है। फिर आपको नीचे की साइड में आना है। फिर आपको यहाँ पर बैरियर का एक ऑप्शन मिलेगा, ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग वाली है। तो आपको बैरियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर तीन चार चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो पहला है LTA, LTA सेलेक्ट करना है। और दूसरे नंबर पर HSPAP, ये सेलेक्ट करना है। फिर आपको दो पॉइंट छोड़ के फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ में HSDPA इसको सेलेक्ट करना है, UMTS इसको सेलेक्ट करना है, और EDGE इसको भी सेलेक्ट करना है, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट बचता है GPRS इसको भी सेलेक्ट करना है। इन सारे पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको सिंपली से नीचे का नीचे स्क्रॉल करें, तो ओके मिलेगा, इसे ओके कर देना है। ओके करने सारी चीज़ें हमारी सेटिंग्स हो गई हैं, हमारा APN तैयार हो गया। अब आपको थ्री डॉट वाली लाइन पर क्लिक करना है। अब थ्री डॉट वाली लाइन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक तीन ऑप्शन मिलेंगे, डिलीट APN, सेव और डिस्कार्ड। तो आपको सिंपली इस APN को सेव कर देना है। जैसे आप इस APN को सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पर आपको सिंपली से BI Pro, यहाँ पर मैंने जो भी APN सेलेक्ट किया है, आपको इस पर सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको मैं अपनी इंटरनेट की स्पीड चेक करके दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा बढ़ गई। देख सकते हो हमारे इंटरनेट की स्पीड, यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको ये सारी स्पीड दिख जाएगी, यहाँ पर इंटरनेट की हमारी जो स्पीड है यहाँ पर दिख जाएगी आपको।
यहाँ पर आप देख सकते हो 30 पॉइंट कुछ इतनी सारी स्पीड यहाँ पर आपको दिख रही है।